आज हम लोग फूरियर सीरीज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। इसमें से पहला प्रॉब्लम है, फाइंड द फूरियर सीरीज नंबर वन। फाइंड द फूरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इन द इंटरवल एक्स इज इक्वल टू 0 to 2 पाई। 0 से 2 पाई के बीच में इस फूरियर सीरीज का हमको क्या फाइंड करना है? फूरियर कोफिशिएंट फाइंड करना है, देन उसके बाद फिर इसका फूरियर सीरीज को सॉल्व करना है। सो फॉर द फूरियर सीरीज लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस ए वन कॉस एक्स प्लस ए टू कॉस 2x प्लस ए थ्री कॉस 3x प्लस डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली फॉर साइन सीरीज इट इज बी वन साइन एक्स प्लस बी टू साइन 2x प्लस बी थ्री साइन 3x डॉट डॉट डॉट। लेट दिस इक्वेशन नंबर वन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फूरियर कोफिशिएंट दैट इज ए नॉट an and bn. So first we are going to find the value of a naught, which is equal to 1 by pi 0 to 2 pi fx dx. So 1 by pi 0 to 2 pi, the value of fx is here x. So x dx is equal to 1 by pi इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इन द लिमिट 0 to 2 पाई। सो इट इज 1 बाई पाई 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू माइनस 0, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई पाई इंटू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। टू टू कैंसिल, सो पाई एंड पाई दैट इज 2 पाई। सो इट्स आंसर इज that is the Fourier first coefficient a naught is equal to 2 pi. Next we are going to find the value of an. The value of an is 1 by pi 0 to 2 pi fx cos nx dx. So it is 1 by pi 0 to 2 pi and fx is x cos nx dx. अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूला को यूज करना होगा। अगर हम लोग को याद हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, यू वी डी एक्स अगर हो तो होता है यू वी डी एक्स माइनस डो यू बाय डो एक्स देन वी डी एक्स एंड देन पूरे का इंटीग्रेशन का डी एक्स। यहाँ पर भी हम लोग को वही सेम चीज करना है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने से में यू वी एक्स में यू हमको किसको लेंगे, वी किसको लेंगे, तो यू हमेशा उस टर्म्स को लेते हैं, वी उस टर्म्स को लेते हैं जिसका डिफरेंशिएशन आगे जाने पे, डिफरेंशिएशन करने पे उसका वैल्यू आगे जाने पे जीरो हो जाए। तो यहाँ पे इस केस में हो जाएगा यू कॉस एन एक्स और वी हो जाएगा एक्स। सो फर्स्ट इज कॉस एन एक्स and integration of, sorry, here u is v is cos nx and u is x. So in the first u, that is x, integration of cos nx is sin nx divided by n in the limit 0 to 2 pi minus इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2 पाई डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज अगेन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज अगेन साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन डी एक्स। अब इसमें हम लोग लिमिट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फर्स्ट केस में 2 पाई पुट होगा तो इसमें ये वैल्यू हो जाएगा, डायरेक्टली हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक्स कॉस एन एक्स बाई एन 0 to 2 पाई
माइनस, अगर यहाँ हमको इंटीग्रेट करना है और साइन का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं माइनस होता है, सो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस एन एक्स, और फिर एन एक्स में इंटीग्रेशन एन स्क्वायर, लिमिट हो जाएगा जीरो से टू पाई। यहाँ तक तो हमको लगता है किसी को प्रॉब्लम ना हो। सो एक्स साइन एक्स बाई एन जीरो टू टू पाई प्लस कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर जीरो से टू पाई। अब इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो एक एक करके वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा। सबसे पहले यहाँ पुट करना है टू पाई, सो एक्स के जगह पे टू पाई साइन एन इंटू टू पाई डिवाइडेड बाई एन माइनस एक्स के जगह यहाँ जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा माइनस सॉरी प्लस कॉस एन इंटू टू पाई डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस कॉस जीरो डिग्री इज इक्वल टू जीरो, कॉस जीरो भी लिख लें यहाँ पे डिवाइड बाई एन स्क्वायर। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई साइन एन, ये हम लोग फाइंड कर रहे हैं एन साइन एन 2 पाई डिवाइडेड बाय एन प्लस कॉस एन इंटू टू पाई डिवाइड बाय एन स्क्वायर, और कॉस जीरो डिग्री, कॉस जीरो डिग्री का वैल्यू होता है वन, सो इट इज वन बाय एन स्क्वायर। अब हम लोग को फाइंड करना है साइन टू पाई और कॉस टू पाई। साइन टू पाई डेट मीन्स साइन 360 डिग्री, साइन 360 डिग्री डेट मीन्स वी कैन राइट इट एज साइन 360 प्लस जीरो दैट इज साइन जीरो डिग्री, साइन जीरो डिग्री इज जीरो। And cos 2 pi is equal to cos 360, cos 360 plus theta that is 0, that is cos 0 is equal to 1. So we have 2 pi into sin n से multiply करें यह एक ही value आएगा, यह 0 हो जाएगा divided by n plus ये 1 by n square 1 by n square। So, दोनों टर्म यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएंगे, और कैंसल आउट हो जाने के बाद इसका वैल्यू हो जाएगा 0। नेक्स्ट हम लोग को फाइंड करना है bn, bn हमारा होगा सेम वैल्यू फाइंड होगा यहाँ पे, bn है 1 by pi 0 to 2 pi fx sin nx dx, so it is 1 by pi 0 to 2 pi fx is the value of fx is x sin nx dx 1 by pi। अब इसको फिर हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करने से यहाँ पे जैसे इसके पहले वाले आर्टिकल्स में हम लोगों ने सॉल्व किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, सेम टू सेम प्रोसेस से यहाँ पर भी हम लोगों ने फाइंड करेंगे। बस हम लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है कि हमारा वैल्यू क्या क्या आया। ए नॉट का वैल्यू आया 2 पाई, ए एन का वैल्यू आया 0, अब हम लोग बी एन फाइंड करने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 बाय पाई, फिर हम लोग यू और वी मानेंगे, तो जैसे प्रीवियस में हम लोगों ने माना था सेम टू सेम वही मेथड से इसमें भी हम लोगों को फाइंड करना है, इसको यू इसको भी, तो ये पहली केस में इसका इंटीग्रेशन, तो दैट इज कॉस माइनस साइन एन एक्स बाई एन, एक्स सेम टू सेम यहाँ रहेगा, लिमिट पुट कर देंगे जीरो से टू पाई का, माइनस जीरो टू टू पाई एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, साइन एन एक्स का फिर हो जाएगा कॉस माइनस ऑफ कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन इनटू डीएक्स। अब वन बाय पाई बाहर है,
माइनस एक्स दैट इज माइनस टू पाई कॉस एन टू पाई डिवाइड बाई एन ये जीरो। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज इक्वल टू साइन माइनस माइनस प्लस साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। यहाँ पैकेट ले लेंगे सो वन बाई फाइव कॉस टू पाई। अभी हम लोगों ने फाइंड किया कॉस टू पाई का वैल्यू, कॉस टू पाई इज इक्वल टू कॉस जीरो डिग्री इज इक्वल टू वन। सो ये हो जाएगा टू पाई वन डिवाइडेड बाई वन एन प्लस साइन टू पाई एन टू पाई डिवाइड बाय एन स्क्वायर माइनस साइन जीरो डिग्री डिवाइड बाय एन स्क्वायर। दोनों केस में साइन टू पाई और साइन जीरो डिग्री, साइन जीरो डिग्री और साइन टू पाई दोनों केस में इसका वैल्यू जीरो होता है। सो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हम लेफ्ट विथ होंगे माइनस टू पाई डिवाइडेड बाई पाई इंटू एन। सो पाई पाई कैंसिल सो इट इज माइनस टू बाई एन। सो बी एन का जो वैल्यू हमारा आया टू बाई माइनस टू बाई एन आया। अब इसको हम लोग सीरीज में पुट कर देंगे जो हम लोगों ने सीरीज वैल्यू फाइंड किया था। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं बी एन इज इक्वल टू माइनस टू बाई एन और सीरीज को हम लोग फिर से लिख लेते हैं और इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। हमारा सीरीज था जो हम लोगों ने सबसे पहले कंसीडर किया था फूरियर सीरीज एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस ए वन कॉस एक्स प्लस ए टू कॉस टू एक्स प्लस डॉट 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 प्लस बी वन साइन एक्स प्लस बी टू साइन टू एक्स प्लस डॉट डॉट डॉट। सो ए नॉट का वैल्यू है टू पाई सो टू पाई बाई टू। ए वन के सारे सीरीज जो है वो जीरो है तो ये जीरो। बी वन के सीरीज जो है तो अगर हम बी एन इज इक्वल टू दिस है तो बी वन हो जाएगा हमारा माइनस टू बाई वन, बी टू हो जाएगा माइनस टू बाई टू। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे बी वन के जगह पे माइनस टू बाई वन साइन एक्स देन बी टू के जगह पे माइनस टू बाई टू साइन टू एक्स एंड सो ऑन। सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा फाइनल रिजल्ट जो होगा वो हो जाएगा पाई। ये दोनों कैंसिल हो गए, दोनों सब में से माइनस टू कॉमन है माइनस टू कॉमन ले लेंगे। तो पहला टर्म हो जाएगा साइन एक्स, माइनस कॉमन ले लिए हैं तो सेकंड टर्म हो जाएगा साइन टू एक्स डिवाइड बाई टू। सिमिलरली नेक्स्ट टर्म हो जाएगा साइन थ्री एक्स डिवाइडेड बाई थ्री प्लस डॉट डॉट। सो ये हमारा फूरियर सीरीज हो गया किसी भी इंटरवल के लिए फाइंड करने के लिए। सो इस तरह से किसी भी प्रॉब्लम्स में फूरियर सीरीज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को उसका फूरियर कोफिशेंट फाइंड करना होगा। फूरियर कोफिशेंट में सबसे पहले ए नॉट ए एन एंड बी एन फाइंड करेंगे और इस तरह से फाइंड करने के बाद हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे। सो ए नॉट का वैल्यू तो आपका इजिली सॉल्व हो जाएगा लेकिन ए एन और बी एन फाइंड करने के लिए हम लोग को इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का हेल्प लेना होगा। सब्स्टिट्यूट करना होगा वैल्यू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसमें लिमिट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो जाने के बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए सॉल्व करते हुए अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करने के बाद वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वैल्यू फाइंड करने के बाद जो हमारा फर्स्ट एजम्पशन था दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू ए वन कॉस एक्स प्लस बी टू, ये जो सीरीज हम लोगों ने लिखा था वहाँ पर हम लोग ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सारे के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये हमारा फूरियर सीरीज कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं एंड देन फूरियर सीरीज के इस पूरे लेक्चर्स को हम लोग लास्टली एंड करेंगे। सो हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, ये कुछ अलग टाइप का प्रॉब्लम है, इसमें लिमिट हम लोग को चेंज करना है।
सो सेकंड प्रॉब्लम हमारा कहता है फाइंड द फूरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट द एफएक्स व्हिच इज गिवन बाय माइनस के इन द लिमिट माइनस पाई टू जीरो एंड इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव के फॉर इन द लिमिट जीरो टू पाई इट्स वैल्यू इज प्लस के। इस तरह के प्रॉब्लम्स में हम लोग को लिमिट को दो पार्ट में ब्रेक करना होगा। जैसे ट्वेल्थ क्लास में डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग किसी भी लिमिट को दो पार्ट में या डेफिनेट इंटीग्रेट को दो पार्ट में डिवाइड करते थे, ऐसे भी यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। एक पार्ट जो होगा वो माइनस पाई से जीरो के बीच में होगा जिसमें उसका वैल्यू फंक्शन का माइनस के होगा, और दूसरे पार्ट में इसका वैल्यू जीरो से पाई के बीच में होगा जिसका वैल्यू इसका प्लस के होगा। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, और यहाँ कुछ कहता है हैंग सो दैट 1 माइनस 1 बाई 3 प्लस 1 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 7 प्लस डॉट 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 इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 5 बाई 4। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट ए नॉट। सो ए नॉट इज 1 बाई पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स डी एक्स। सो 1 बाई पाई, अब इस लिमिट को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, माइनस पाई से 0 और 0 से पाई। सो माइनस पाई से पाई के बीच में इसका वैल्यू है माइनस के एक्स के, और 0 से पाई के बीच में इसका वैल्यू है के, तो इट इज के डी एक्स। के हमारा कांस्टेंट है, के को हम लोग बाहर निकाल ले रहे हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x, और इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x माइनस पाई टू 0, 0 टू पाई। 0 में पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा, माइनस पाई पुट करेंगे तो कॉमन लेने के बाद ये प्लस पाई और एक माइनस पाई वैल्यू आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 0। सो ए नॉट का वैल्यू यहाँ पे हमारा हो गया 0। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ an। An is the second Fourier coefficient whose value is equal to 1 by pi minus pi to plus pi fx cos nx dx। फिर इस इंटीग्रेशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, माइनस पाई टू 0 एंड 0 से पाई। सो दो पार्ट में ब्रेक कर दिए, माइनस पाई से 0 के बीच में fx का वैल्यू है माइनस के, और 0 से पाई के बीच में इसका वैल्यू है प्लस के, सो इट इज माइनस के cos nx dx एंड प्लस के cos nx dx। नेक्स्ट ये हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, तो के हम लोगों ने कॉमन ले लिया दोनों में से। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एन एक्स बाई एन, साइन एन एक्स एंड देन एन एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज एन, वन बाई एन माइनस पाई टू जीरो। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एन एक्स इज इक्वल टू साइन एन एक्स डिवाइड बाई एन। हम लोग जानते हैं कि कॉस साइन जीरो डिग्री, साइन जीरो डिग्री इज इक्वल टू जीरो होता है, और साइन माइनस पाई पर भी इसका वैल्यू और प्लस पाई पर भी इसका वैल्यू जीरो होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका वैल्यू हो गया जीरो। सो ए नॉट हमारा जीरो, ए एन जीरो। नेक्स्ट फाइंड करना है थर्ड फूरियर कोएफिशिएंट दैट इज बी एन। बी एन इज इक्वल टू इज वन बाई पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। सो इट इज वन बाई पाई माइनस पाई टू जीरो माइनस के sin nx dx 0 to pi k sin nx dx। इसके वैल्यू पुट करने के बाद sin का इंटीग्रेशन यहाँ cos हो जाएगा, यहाँ पर भी sin का इंटीग्रेशन यहाँ पे cos हो गया माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस था माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया। नेक्स्ट हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो 1 बाई एन। cos माइनस ऑफ पाई इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर एन डिवाइड बाई एन, एंड इट्स वैल्यू इज अगेन माइनस 1 टू द पावर एन डिवाइड बाई एन, एंड cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाई एन। अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा ये माइनस 1 टू द पावर एन माइनस 1 टू द पावर एन कैसे आया, इसको हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सो लास्ट हम लोगों ने देखा कि बी एन का जो वैल्यू है वो 1 बाई पाई के टाइम्स 2 बाई एन टू टाइम्स माइनस 1 बाई एन टू द पावर एन आया। यहाँ पे जो cos का वैल्यू है cos n पाई डिवाइडेड बाय n x डिवाइडेड बाय n है, जिसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस पाई से जीरो के रिस्पेक्ट में और एक ही जीरो से पाई के रिस्पेक्ट में। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि cos n इंटू जीरो डिवाइडेड बाय n अपर लिमिट पुट करेंगे, और cos n टाइम्स माइनस ऑफ पाई डिवाइडेड बाय n ये वैल्यू हम पुट करेंगे। कॉस जीरो डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं वन होता है, तो वन बाई एन यहाँ पे आ गया वैल्यू। एंड देन कॉस एन पाई दैट इज कॉस माइनस ऑफ थीटा इट इज कॉस थीटा एंड पाई दैट इज कॉस 180 डिग्री, सो इट्स वैल्यू इज माइनस वन, बट हियर इज माइनस एन, एन यहाँ पे है,
तो इसका वैल्यू डिपेंड करेगा कि एन का वैल्यू पॉजिटिव है कि इवन है कि ऑड है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिया है माइनस वन टू द पावर एन। दो टाइम माइनस वन टू द पावर एन है इसलिए टू टाइम्स माइनस वन टू द पावर एन हो गया। सो हमारा वैल्यू आया ए नॉट इज इक्वल टू जीरो, ए एन इज इक्वल टू जीरो, बी एन इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई पाई, के डिवाइडेड बाई पाई टू बाई एन माइनस टू टाइम्स माइनस वन टू द पावर एन बाई एन। नाउ वी हैव टू कंसिडर टू वैल्यू ऑफ एन, दैट इज एन इज इक्वल टू इवन एंड एन इज इक्वल टू ऑड। सो फॉर एन इज इक्वल टू इवन, अगर एन का वैल्यू इवन हो तो माइनस वन का पावर एन दैट इज टू फोर सिक्स के लिए ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगा, और टू बाई एन और टू बाई एन जो लोग जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए उस केस में जब एन का वैल्यू इवन हो पी एन का वैल्यू हो जाएगा जीरो, लेकिन जब एन का वैल्यू ऑड हो तो ये वैल्यू जो होगा वो माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और टू प्लस टू हो जाएगा फोर। सो इसका वैल्यू हो जाएगा फोर के डिवाइडेड बाई एन पाई। सो हमारा फूरियर कोफिशिएंट्स फूरियर सीरीज को लेके लिखने पे हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स समीशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, बट द वैल्यू ऑफ ए नॉट एंड ए एन इज हियर जीरो, सो वी लेफ्ट विद समीशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। सो ऑन एक्सपेंडिंग that is putting the value of n is equal to 1, 2, 3. So we have bn sin nx plus b2 sin 2x plus b3 sin 3x. So the putting the value of b1, b2, b3 using this formula. But we have to put the value of n for 1, 3 and 5. क्यों? क्योंकि even terms के लिए इसका value 0 है, और टर्म्स के लिए इसका वैल्यू सिर्फ परमिसिबल है। सो पहला केस में हो जाएगा वैल्यू 4k by pi sin x, सेकेंड वाले के लिए 4k divided by 3 pi, 4k divided by 5 pi sin 5x, सही में कॉमन 4k by pi sin x, 1 by 3 sin 3x, 1 by 5 sin 5x and so on. Now putting x is equal to pi by 2, जो हमको प्रूफ करना है उसके लिए। So 4k divided by pi sin pi by 2 sin 3 pi by 2 sin pi by 2. The value of sin pi by 2 is equal to 1. The value of sin 3 pi by 2 is equal to minus 1. The value of sin 5 pi by 2 is equal to minus 1. So here the value is k cancel ho jayega. So 1 is equal to 4 by pi 1. The value of 1 by pi sin pi by 2 is equal to 1. Sin 3 pi by 2 is equal to minus 1, sin 5 by 2 is equal to 1, and similarly the value of 7 pi by 2 sin is minus 1. So value put कर देंगे। अब ये वाले terms को अगर इधर लेके आए तो हमारा हो जाएगा term ये 1 is equal to 4 by pi, इसको अगर हम लोग इधर लेके आए तो हम यहाँ लिख सकते हैं pi by 4 is equal to 1 minus 1 by 3 plus 1 by 5 minus 1 by 7 and so on. यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो बेसिकली फूरियर कोफिशिएंट या फूरियर सीरीज में हम लोग प्रॉब्लम्स इसी तरह से ही सॉल्व करते हैं। सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद हम लोग उसके ए नॉट ए एन और बी एन के वैल्यू को फाइंड करते हैं, और वैल्यू को फाइंड करने के बाद फूरियर सीरीज में उसको पुट करते हैं। सो इस तरह से हमारा फूरियर सीरीज का सारे प्रॉब्लम्स सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स के पावर सीरीज सॉल्यूशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल फंक्शंस के बारे में स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हमारा रहेगा व्हाट इज पावर सीरीज सॉल्यूशन एंड व्हाट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट एंड वेरिएबल कोफिशिएंट।